बहुत ही मान ते सत्कार दे योग पंडाल ते पंडाल विच बैठियां सत्कार योग भैणा अते मेरियां तियां अते सत्कार योग समुख सान वेरो ते स्टेज ते बैठे समो वीरां नूं सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं एक बेनती करनी चाहुंदा कुछ अपने विचार रखन तो पहला कि अज ये जो मोदी सरकार दे खिलाफ संघर्ष चल रहा है इस संघर्ष दे विच बच्चे तो लैके बजुर्ग अते छोटी बच्ची तो लैके सत्कारयोग बजुर्ग भैणां दा मनां दे विच किन्ना गुस्सा है किन्ना जज्बा है किन्ना जोश है। वह मेरी एक धी जिहड़ी कि बंगिया तो चल के पैदल चल के ते ओ बस राही इत्थे पहुंची है और उस धी ने जो अपने मन दे वलवले जो दुख जाहर कीते ने मैं वो अपनी जबान तो दस नहीं सकता। आ हुणे मैनू इत्थों उठ के मैनू उठा के खड़िया गए लगाए सन ते मैं उस धी नूं मिल के आया। मन दे विच जिन्ने वलवले जिन्ने दुख ते जिन्ना जोश ते जिन्ना जज्बा तुहाडे मनां विच है पर दूसरे पासे मोदी सरकार ते उहदे पाले होए गुंडे ते एजेंसियां जिहड़ियां ने ओ की कर रहियां ने और सानू बाहरों NRI वीर ने जिहड़े ओ 24 घंटे उहनां दे फोन आउंदे ने ओ बाहर विदेशां दे विच बैठे जिन्हां दी आत्मा इत्थे जुड़ी हुई है वो लोग फोन करके सानू की कह रहे ने जा आम जड़े बिल्कुल निरपक्ष जड़े साडे किसान वीर जा साडे हमदर्द साडियां भैणां साडियां धीआं वो सानू की कह रही ने मैं वो जरूर तुहाडे नाल सांझा करना चाहुंदा है ताकि जिहड़े वीर सानू फोन करदे ने उहनां नूं पता लग जावे कि असी इस स्टेज तो जिहड़ी इह संयुक्त मोर्चे की स्टेज है इत्थों बुलारिआं नूं बोलण वास्ते की हदायतां ने की असी बोलना है उहदे बारे बेनती करांगा कि जिस तरह एक नौजवान रणजीत सिंह नूं BJP जिहड़ी सरकार है उहदे वल्लों पुलिस की छत्र छाया हेठ भेजे हुए गुंडियां वल्लों जिहड़ी साडी दूसरे पासे स्टेज चल रही है उस स्टेज ते पत्थरबाजी की गई अते रणजीत सिंह नूं बुरी तरह जख्मी किया गया और जबरदस्ती चौके लै गए। उस तो बाद पता लगा कि वो जेल विच बंद है और उहदा इलाज किस तरह हो रहा है वो आप जानते हो कि जिस बंदे दे नाल इन्हां तशद्दुद ते जुल्म कीता होवे और ये सरकार आज ये सानू किस तरह दबाउणा चाहुंदी है उत्ते क्यों कीता वो इस करके कि असी ये दहशत पावांगे ते ये लोग पिछे हर जाणगे। सो जिहड़े वीर सानू फोन करदे ने मैं उहनां नूं बेनती करदा कि मैं स्टेज तों बोल रहा और जिम्मेवार हाँ क्योंकि 40 मैंबरी कमेटी पहला जो पंजाब दे विच 32 मैंबर सी उहनां दी उस तों बाद जो साडी संयुक्त मोर्चे की 40 मैंबरी कमेटी आ जो साडियां 450 दे करीब किसान जथेबंदियां उन्हां वल्लों 40 नुमाइंदे उन्हां दे विच वी इक हां। ये मैं कोई गैर जिम्मेवारी वाली
गल ही कर रहा, असी सारे ने फैसला किया कि साढ़े आपसी मनमुटाव लीडर के हो सकते ने, पर हुण वह भी असी एक दूसरे के नाल कोई भी किसी किस्म का स्टेज तो कोई गिला कोई शिकवा बिल्कुल नहीं करना। अते उधर जिन्हें भी किसान ते बीबियां वो किसान जड़े नौजवान वो साढ़े बच्चे ने बजुर्ग साढ़े भरा ने जड़िया बीबिया ने वो साड़िया धिया ते साड़िया भैणा ने। इस करके ये तुसी चिंता दूर कर दे हो कि संयुक्त मोर्चे की स्टेज तो किसी के खिलाफ कोई आप शब्द नहीं बोलिया जाएगा, क्योंकि जड़े सत समुद्र तो पार बैठे ने आ मेरी धी बंगिया तो चल के इत्थे आ गई है, पर वो तो एडी छेती नहीं आ सकते। वो लखां लोग जड़े उत्थे बैठे ने वो बहुत दुखी मन च ने, सो उन्होंने भरोसा दवाने कि साडे वालों कोई गल नहीं की जाएगी, क्योंकि साड़ी जड़ी लड़ाई है वो केंद्र सरकार दे नाल है, ना किसी भरा मारू जंग करनी है जड़ी के सरकार चाहती है। और एक बेनती मैं होर करनी है कि रात के समय जड़े वलंटियर ने वो खास करके मेरी बेनती वाल ध्यान देन, कुछ वलंटियर दियां वर्दियां पा के कई थावां ते नजायज परेशान किया जाता है आम लोगों नूं। वलंटियर जड़े ने वो बहुत सूझबूझ नाल काम कर रहे ने, क्योंकि वो जिन्हें भी ने किसान ही हित वास्ते कर रहे हैं। और ये नौजवान जिते रात को ड्यूटी देते ने, मैनू नहीं पता वो घंटा दो घंटे कदों सौंदे ने, क्योंकि मैं भी रात ने तुरिया फिरदा रात को भी तो वेखीदा उन्हां नूं ते दिन भी साढ़े सामने फिर खलोते होंगे आ। पर कुछ लोग वो साढ़े वलंटियर बदनाम करते हैं, तो मैं अपने सुचेत वलंटियर बेनती करदा कि तुसी तुहानू जे कोई पता लगे तुसी कुछ नहीं किसे नूं कहना, ते उस बंदे ते जीते शक तुसी अपनी अपनी जथेबंदी दे आगू नूं फोन करो, नहीं तो दास नूं 75-890-00-547 ते जदों भी फोन करोगे 2 बजे होण 3 बजे होण जो भी टाइम होवे, टाइम का कोई का मतलब नहीं, जदों भी फोन करोगे तुहानू कोई शक्की बंदा नज़र आउंदा पहले उहदी तसली कर लो, पर एवें किहे हर एक ते शक नहीं करना। केवल ट्रालियां वालियां नूं गड्डियां वालियां नूं बसां वालियां, क्योंकि बसां भी काफ़ी आईयां हैं, और जिस तरह कार सेवा वाले बाबे जड़े ने वो अपने पैरे ते रखते ने लंगर च पहरा, जिस तरह रात दिन लंगर की सेवा करते हैं इस तरह वो रात दिन लंगर से पैरे भी रखते हैं। तो भाई तुसी भी आपो अपनी ट्राली से जिमें आम बसों पर लिखा होंगे सवारी अपने समान की आप जिम्मेवार, भाई ट्रालिया दे आप जिम्मेवार बनो। वलंटियर जड़े ने वो सिर्फ इन्ना कह जिमें चौकीदार हौका देना जागते रहो, सिर्फ इन्ना ही कहना है, ज़्यादा किसी नाल भिरन की लोड़ नहीं, क्योंकि सरकार ने जिस तरह हुण तक षड्यंत्र रचे गुंडे भेजे, पहला गुप्त तौर पर शरारती अंसर भेजते रहे, और दास तुहाडे सहयोग दे नाल उन्हां नूं फड़ के थाने बंद करवा रहा, पर हुण तक उन्हां दे खिलाफ कोई कार्रवाई तो की करनी सी, इन्होंने हुण सीधी साडे नाल गुंडियां नूं
लड़न वास्ते जड़ी आ वह पुलिस की सहायता दे दिती आ। जितों असी सचेत रहना है, इको गल है कि असी आपस में कई बार खलोते जिद पैने, जिदना नहीं, एक दूसरे के नाल कोई भी ऐसी गल नहीं करनी जिदे नाल साडा मनमुटाव सामने आए। असी तुहानू बेनती करते हाँ कि भाई इको सवाल है, मेरा इको एक सवाल है भाई कि आप जड़ा मोर्चा जितना है तो जे जितना है तो फिर जकार तुहाडे वालों दोवें हाथ खड़े तुहाडे वालों होने चाहिए। मीडिया वाले नूं कहांगा कि आ तुसीं इधर आ लो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल एक होर है, वह भी जे ये जितना है तो फिर जितया किवें जाना है? जितया जाना शांति नाल। साढ़े पंचम पातशाह शांति दे पुंज और गुरु तेग बहादुर पातशाह आ नाल ही तुहाडे श्री गुरु तेग बहादुर मेमोरियल है, इतिहास गवाए। सो शांति ना जितया जाना है। तो एक गल कि कोई भी तुहानू शरारती अंसर मिले, कोई भी गड़ी मिले, उन्हूं आप प्यार नाल सत्कार नाल गल करनी है तो कि आप शांति रखनी है। तो जे शांति रखनी है तो फिर भी जकारा तो दोवें भावां करनी। बस मैं यो बेनती कर रही सी, ज्यादा समा नहीं। सो एनिया बेनतियां करदा खिमा दा जाज कहा ते वलंटियरां नूं फिर बेनती करदा है कि जड़े रात दे वलंटियर ने वह सचेत हो के रहन। आगू साहबान नूं बेनती है कि जड़े वलंटियर भेजदे ने उन्हां दे नाल एक जिम्मेवार भी होना चाहीदा। ते जड़े नौजवान रात को 15-15, 20-20 नौजवान ट्रैक्टर के उत्ते कुछ छतड़ी के उत्ते बैठे होंगे, कुछ बोनट के उत्ते बैठे होंगे, कुछ पिछे जड़े खड़े होंगे। मैं एक दिन गिनती की थी ते 18 नौजवान। हुण वेखो जेकर एक भी किसी बच्चे नूं डिग के चोट लगी, तुहानू पता है एक 17 साल का बच्चा जड़ा के ओ रस्ते चा रहा सी ट्राली तो डिग के उहदा एक्सीडेंट होया। और जड़ा बच्चा हरदीप सिंह का पोतरा 26 तरीक नू शहीदी देना, ये ठीक है कि उहदे पहला गोली लगी तो फिर वह गोली अगे निकली तो उहदा ट्रैक्टर का बैलेंस वाज गया तो वह शहीद होया। पर असी आप थोड़ा जा कंट्रोल रखिए, जेडे भी रात को ट्रैक्टर से जाते हैं पहरा देंगे ने वो 3-4 तो वध नहीं होने चाहिए। ट्रैक्टर हस्ते चलाने ने अते जागदा रहना है, सुचेत रहना है, किसी ने बहस नहीं करनी, शांति रखनी है। जितांगे तां जे शांति रखांगे। सो शांति तुसी रखनी है ते जित अकाल पुरख ने तुहानू दवानी है, किसी बंदे जा किसी होर दे वस नहीं। सो इन्हां बेनतियां करदा खिमा दा जाज कहा, बुलाओ गज वज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हरियाणा भाइयों को राम राम, हरियाणा भाइयों को राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा साडे किसान आगू। बहुमुलियां गल्लां सानू दस के समझा के गए आ। असी आस करदे आप सब तो कि जिहड़ियां साडे सिरसा साहब बहुमुलियां गल्लां जिहड़ियां दस के गए आ असी उहनां ते 101% असर करांगे। तां साडा ये जिहड़ा
मोर्चा जितया जाना बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं असी सरदार सिरसा साहब का। तो हुण असी धन्यवाद करते हैं साढ़े गाजीपुर तो चार गड्डियां लैके आए वलंटियर वीर सरदार मनदीप सिंह